Professor Hiroshin Kishi, Air India announces the arrival of their flight AI-108 from New York, London, Paris, Frankfurt. Hello. Hello. Namaste, ji. Namaste, Amar. Welcome home. You're looking fine. मानिए माँ गुरुजी के आश्रम गई है। और डैडी? वो तो ऑफिस के मीटिंग में बिजी है। चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। अमर तू? माँ ये बता, माँ तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। ये क्या कर रहा है? चल इधर आ। तेरा बेटे जरा नहीं बदला, 3 साल के बाद भी वैसा ही नटखट है। बेटा हमेशा अपनी माँ के लिए बच्चा ही होता है। बड़े सरकार आ गए हैं। नमस्ते डैडी। अरे अमर, ये नहीं, वेलकम होम। ये सब क्या पहन रखा है? इनकी बात मत सुन बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अपने गुरुजी की तरह। तुम्हारे गुरुजी को कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभालना है। क्या क्या लाए वहां से? बस अपना वही एक सूटकेस बस। और फिर डैडी ये सब चीजें लाना अलाउड भी नहीं है। लो, और लेकिन वो सब, ये सब व्यापारी बातें इस वक्त छोड़ो। खाना तैयार है, इसे खा लेने दो। 3 बरस के बाद मेरा बेटा घर का खाना खाएगा। जी नहीं, आज मेरा बेटा मेरे साथ क्लब में खाना खाएगा। जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है, तो टीकम चंद और उसकी बेटी टीना ने तुम्हें खास तौर पर दावत दी है। और माँ? ये तो सूरज डूबने से पहले ही खा लेती है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ, ये सब बदल लेना। अच्छा डैडी। बस दैट्स ऑल। अरे मुझे याद आ गया, आज तो मेरे गेस्ट आने वाले हैं। अरे भाई जब भी तुम हार जाते हो तुम्हें अपने गेस्ट याद आ जाते हैं। ओह नो बाई गॉड, ऐसी बात नहीं। आज तो मैंने सोना चंद और उसके बेटे को डिनर पर बुलाया है। क्यों? आज कोई नई पार्टनरशिप हो रही है क्या? देखो क्या होता है, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। एनीवे सी यू लेटर, ये लीजिए, टाटा। हाय डैड। टीना। हेलो हेलो टीना, हेलो टीना। अरे तुम लोग मेरे बेटे अमर से तो मिले हो ना? अभी अमेरिका से आया। वेरी मच प्लीज टू हैव मेट यू, लुकिंग सो हैंडसम। नाइस टू हैव मेट यू। लेकिन सोना चंद, वो बियर की फैक्ट्री जिसके प्लान्स हम दोनों ने डिस्कस किए थे, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? प्लान तो सब हो चुके हैं, लेकिन पास होते होते खर्चा बहुत होगा। अच्छा डैडी, आप और अंकल तो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, और तुम दोनों? मेरे फ्रेंड्स की एक पार्टी है, मैं अमर को अपने साथ ले जाती हूँ। मगर मैं तो सफर से बहुत थका हुआ हूँ। नॉनसेंस, जाओ जाओ बेटा। Never say no to a pretty girl. Have a good time, have a good time. Okay, Daddy. Thank you, Uncle. Bye-bye. Bye-bye. सिगरेट नहीं पीते, कमाल करते हो। तो फिर चरस किस में रखकर पीते हो? चिलम में? चरस, चिलम, तो ये बीमारी यहां भी आ पहुंची? ये बीमारी तो यहीं से शुरू हुई है डियर अमर।
स्वीटहार्ट, डोंट फील शाय। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जी। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, कह तो सकता था, मगर मैं तो सिर्फ इस पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। आपको यह पेंटिंग पसंद है? बहुत अच्छी। क्यों, आपको अच्छी नहीं लगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ किसी खूबसूरत लड़की का ऊपरी चेहरा है, जिसपे ना तो कोई जज्बात है, ना कोई भावना, और ना ही होठों पे कोई मुस्कुराहट, और ना ही चेहरे पे किसी गम की झलक। आप शायद ठीक कहती हैं, फिर भी ये तस्वीर आप जैसी ही लगती है। जी, मेरे जैसी? क्या मतलब? हाँ और क्या, सिर्फ एक खूबसूरत लड़की का ऊपरी चेहरा, ना कोई भावना, ना कोई जज्बात, ना होठों पे मुस्कुराहट, ना चेहरे पे किसी गम की झलक, फिर भी आंखों में गहरा भेद छुपा हुआ है। जी, मेरी आंखों में कोई गहरा भेद नहीं छुपा हुआ। जी, मैं तो सिर्फ इस पेंटिंग की बात कर रहा था।
आपके कहने पे मैं चाय पीने तो आ गई, मगर मगर आपको अफसोस है कि एक अनजान आदमी के साथ आपने पकड़ा है क्या? नहीं। अच्छा आप काम क्या करते हैं? काम? सच पूछिए तो कुछ नहीं। तो आप घर के बहुत अमीर होंगे? नहीं, अमीरों के सिवा और भी बहुत लोग हैं। और तस्वीरें पेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो किसकी तस्वीर पेंट करना चाहते हैं आप? आपकी? मेरी? ये कैसा मजाक है? नहीं, मैं एकदम सीरियस हूँ। मेरे बारे में या पेंटिंग के बारे में? अभी तो सिर्फ पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। ओ, और बाद में? देखिए, मैं बेकार किसी के घर नहीं जाती। मेरा तो घर ही नहीं है, अपने दोस्त के स्टूडियो में पेंटिंग करता हूँ, और वहाँ डरने की कोई बात नहीं। मैं किसी बात से नहीं डरती। अच्छा, तो फिर किसी आदमी से भी नहीं? तो हर शाम को 5:30 बजे कला के स्टूडियो में रिच कैंडी पर आप आएंगे ना? शायद, सोचूंगी। ठहरिए ना, मैं भी चलता हूँ। आप अपनी चाय के पैसे तो दे दीजिए, मैंने अपने रख दिए हैं। गुड मॉर्निंग सिल्विया। गुड मॉर्निंग। हेलो अमर। हेलो अमर, का कैबिन तैयार है? यस सर। गुड। अब बोलो बेटा, किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो? इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, फाइनेंस कॉर्पोरेशन में या ठेकेदारी? यारी सच पूछे तो किसी में नहीं। क्या? मैं तो पेंट करना चाहता हूँ। पेंट? यहाँ क्या पेंट करोगे? हमने पिछले महीने तो सारा ऑफिस पेंट करवाया। आप मेरा मतलब गलत समझे, मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आर्टिस्ट? इडियट। अगर तुम्हें यही करना था तो 3 बरस तक मेरा रुपया और अपना वक्त बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में क्यों बर्बाद किया? डैडी, मुमकिन है मैंने आपका पैसा बर्बाद किया, मगर मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। वो बिजनेस कोर्स तो मैंने शुरू में छोड़ दिया था। डैडी, मैं तो आर्ट स्कूल से फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा लेकर आया हूँ। आर्ट स्कूल का डिप्लोमा? क्या इस डिप्लोमा से पेट भर सकोगे? पेट तो मैं नोटों से भी नहीं भर सकता जिनसे आपकी तिजोरियां भरी हुई हैं। तुम रुपया कमा नहीं सकते तो रुपये के बगैर खा भी नहीं सकते। देखो, तुम कल से ऑफिस में काम करना शुरू कर दो। मगर एक शर्त है। वो क्या? ऑफिस के टाइम के बाद मैं जो जी चाहे करूंगा, उसमें आप दखल नहीं देंगे। ठीक है। थैंक यू। हेलो सन। हेलो। घर चल रहे हो? जी नहीं, आपका काम 5 बजे तक, उसके बाद मुझे मुकम्मल आजादी। बाबा डैड। अरे अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं समझता कि इस दुनिया में मुकम्मल आजादी जैसी कोई चीज नहीं। सिल्विया, तुमने कुछ नोट किया? नो चिच्चा। इसकी ये खुशी और साथ साथ ये घबराहट, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। हर नौजवान ऐसे मौके पर ऐसे ही खुश होते हैं, ऐसे ही घबराते हैं। ऐसे ही कमर कमर। मुझे आपकी बीमारों पर रश आता है, जी चाहता है मैं भी बीमार हूँ। भगवान ना करे, आप नहीं जानते उनको कितनी भयानक बीमारी है। भयानक बीमारी? क्या उन्हें कैंसर है? कैंसर ही समझ लीजिए। अब मैं चलती हूँ, घर जाके यूनिफॉर्म भी तो पहननी है। आप फिर आएंगे ना? शायद आ सकूं, शायद ना भी आ सकूं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप कभी मुझसे मेरे घर का पता मत पूछिए, और ना ही कोई जाती सवाल। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर आऊं, कम से कम नाम तो पूछ सकता हूँ। मेरा कोई नाम नहीं, ना ही कोई जात है, ना ही कोई धर्म। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मैं हूं भी या नहीं। जिन बीमारों की आप देखभाल करती हैं, वो आपका किस नाम से पुकारते हैं? वो होश में थोड़े ही होते हैं, और बेहोशी में जो चाहे कह सकते हैं। लीला, शीला, लूसी,
जो आपका जी चाहे कहिए। तो फिर माया कह के बुलाया करूंगा। माया जिसके पीछे सब भागते हैं और जो किसी को नहीं मिलती। आप फिर आएंगे ना इसी जगह इसी वक्त हर रोज 5:30 बजे। देखिए मैं बाहर भी खुद ही चली जाऊंगी। मुझे शहर के सारे अंधेरे रास्ते मालूम हैं। अमर बेटा माया 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 यार शक्ल तो पहचानी है। ये क्या करती है? क्यों नहीं कहा? बड़ी तेज हो। तुम्हारा पता क्या है? मैं तुम्हारे घर पर मिलना चाहता हूँ। मेरा कोई पता नहीं, सिर्फ एक टेलीफोन नंबर है और वो तो आपको मालूम है। मैं तुम्हें इस व्यापार के अलावा मिलना चाहता हूँ। चलो ड्राइवर। माँ जी कैसी हैं आप? तू आ गई बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ये लीजिए माँ जी, इसे दूध लेकर बच्चों को पिला देना। जीती रहो, तेरा घरवाला जिए, तेरे बच्चे जिए। बस बस मान ले, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और हमारा तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी। तू जो पैसे दे जाती है ना, उसी से बच्चों का पेट पालती हूँ। तेरा बड़ा एहसान है बेटी। एहसान तो आपका है मान जी, जो इस गंदी कमाई के रूपों को लेकर पवित्र कर देती हो। फोन बंद करो।
मेमका, बाबू का भी फोन आया था। ओह क्या बात के लिए पानी गर्म कर दूं? तुम जाओ अपना काम करो, मगर आज इस जिंदगी के अंधेरे में ये कौन मिल गया जिसके लिए मैं बेनाम हूँ, बेनिशान हूँ। शायद इसीलिए वो मुझे एक शरीफ लड़की समझता है। कामनी, अपने आप को देख, तेरे माथे पर जो गंदगी का कलंक है ये कभी नहीं धुल सकेगा। अच्छा हुआ आज का काम खत्म हो गया। और ये आपकी पर्सनल लेटर? ये सब कल। एक आपकी बेटी का है। हो उषा, पढ़ो पढ़ो। न जाने क्यों मुझे उषा की तरफ से डर लगता है। क्यों, उस बेचारे ने क्या किया? क्या किया है इसका मुझे डर नहीं, क्या करेगी इसका डर है। मुझे महीनों फुर्सत ही नहीं मिलती उससे मिलने की, और फिर बोर्डिंग स्कूल में आजकल लड़कियां ना जाने क्या क्या कुछ करती हैं। खैर तुम पढ़ो। माय डियर डियर डैडी, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मम्मी भी और उनके गुरुजी भी अच्छे होंगे। भैया तो अमेरिका से आ गए होंगे, मेरे लिए क्या तोहफा लाए हैं? वो तो 5 बजे ही चला जाता है। सुनो, ये चिट्ठी और ये पैसे मेरी बहन रागनी को पंचगनी में। आ गए हैं। भाई तुम नौजवान आदमी हो, इतनी जल्दी घर में आ जाते हो, गलती करते हो। भाई टीना तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कह रही थी उस रोज तुम उसे पार्टी से छोड़ के भाग गए। अच्छा ये रोज 5 बजे तुम कहाँ गायब हो जाते हो, कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं डैडी। बेटा तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है, इस बंबई शहर में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो सेठ सोना चंद के लड़के को अपने जाल में फांसना चाहेंगी। उनसे होशियार रहो, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, लेकिन उनके चुंगल में कभी नहीं फंसना। नहीं डैडी, क्लबों और पार्टियों में ही होता है, मसलन कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और सबसे ज्यादा काम आती है कॉफी। हेलो, लव वन, लव वन, ना पूछा। हाय रमेश, योर रैकेट। आज तुम सुबह सुबह कैसे आ गए? आज छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा मंदिर होता जाऊं अपनी देवी के दर्शन करने। आज कितनी देवियों के दर्शन किए? इस मन मंदिर की देवी देख
नहीं रमेश, तुम तो हमेशा उषा की फेवर करते हो। चलो उषा। अरे नहीं नहीं नहीं, उषा की अगर फेवर कर भी दी तो तुम तेरा भाई मिलने आया। भैया सच कहाँ है? वहाँ बाय रमेश। सैटरडे की पार्टी तो है बाबा। उषा। अरे ये क्या कर रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो तुम? क्यों? 3 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था तुम बस इतनी सी थी। अच्छा पहले ये बताओ तुम मेरे लिए क्या लेके आए? ओफो इसमें जल्दी क्या है, आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं तुम पहले बताओ बाबा। आंखें बंद कर लो। ओफो लो। खोलो आंखें। खोलो। घड़ी? अच्छी। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी। देखो तुम जाओ कपड़े बदल लो। मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है। हम घूमने चलेंगे। अच्छा तुम यही ठहरो, मैं कपड़े चेंज कर देती हूं। यही ठहरना। हाँ तुम्हारा स्कूल काफी अच्छा बना हुआ है। वो तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम मेरे लिए अमेरिकन भाभी भी लाए हो या नहीं? ना न्यूयॉर्क की, ना पेरिस की, ना रोम की, बल्कि बम्बई की। सच? सच। मुझे मिलाओगे ना? क्यों नहीं, जरूर मिलाऊंगा। पहले मैं उसे तो पूछ लूं। अच्छा मैं चलता हूँ, घर पे कोई नहीं, माँ के लिए। मुझे तो सबने बुला ही दिया भैया, डैडी को अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं और माँ को अपने गुरुजी के आश्रम से। क्यों कोई मिले नहीं है? नहीं, पिछली छुट्टियों में घर गई थी, जब से 8 महीने हो गए। 8 महीने से कोई मिले नहीं है? नहीं। अच्छा चलो मैं तो हौसला छोड़ देता हूँ, आओ मम्मी डैडी से मैं कह दूंगा। जीते रहो बेटा। आपसे मिलिए, आप हैं रंजन बाबू, कलकत्ते के बहुत रईस आदमी हैं। मेरे सेठ के साथ इनका धंधा लाखों में चलता है। तबीयत के बहुत शौकीन आदमी हैं। आइए आइए बैठिए। आओ बैठो। आइए वेटर, आपकी तारीफ। ओह आई एम सॉरी। सेठ जी बॉम्बे की बहुत मशहूर मॉडल हैं, इनकी तस्वीर हर मैगजीन के फ्रंट पेज पे छपती है, लोग इन्हें मॉडल कहते हैं और मैं इन्हें ब्यूटी क्वीन कहता हूँ। जी चीयर्स। लीला, वैसे लोग मुझे लाला भी कहते हैं। अच्छा रंजन बाबू, आप लीला से इत्मीनान से बातचीत कीजिए, मैं अभी कुछ फोन करके आता हूँ। बिल्कुल ठीक है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, सी यू लेटर ऑन। चीयर्स। चीयर्स। अमर बेड़ू, मेरे को लगता है तुम्हें इस लड़की से कुछ इश्क विश्क हो गया है। नहीं यार, कोई इश्क विश्क नहीं यार। यार इश्क विश्क नहीं, ऐसी चीजें आई टेल यू, ऐसी चीजें क्या बताऊं। देख मैं उसे लेकर आता हूं, हैं? तू उसे देख ले और उसको लेकर अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ले। नहीं यार मुझे नहीं करनी, तू कर। यार तेरा ये मूड देख के ना मेरा भी मूड पूरा उड़ गया है। मैं क्या करता हूं जानता है? मैं जाके एरिस्टिस को आज
स्टडी करता हूं और कल मैं उसकी पेंटिंग बनाता हूं, ठीक है ना? हाँ। Oh, come on. Don't miss me. आज की शाम इतनी अच्छी गुजरेगी मुझे नहीं मालूम, और ये सब तुम्हारी वजह से. अरे माय डियर, अरे ये क्या कर रही हो? इतने खूबसूरत हाथ और ये काम. अमर, हेलो. कहो आज कैसे आना हुआ? यूं समझ लो कदम भटक गए और यहाँ ले आए. बीमारों का क्या हाल है? अरे हाँ, उनमें से एक आज चल बसा, तो मैंने सोचा आपसे मिलते जाए. अरे ये तस्वीर तो आपने खत्म कर दी. खत्म की नहीं, अब खत्म कर रहा हूँ. ये क्या? जो सच्चाई नहीं उसे आग के पर्दे पे क्यों पेश किया जाए? से पहन लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी कल्पना में तुम कैसे दिखाई देती हो. ये मामले सारे नहीं है माया, ये साड़ी मेरी माँ की शादी की है जो उसने अपनी बहू के लिए रखी है. ये तुमने क्या किया? एक कॉल गर्ल को शादी का जोड़ा पहना दिया? काश ऐसा हो सकता, काश मैं भी दुल्हन बन सकती, तुम्हारी दुल्हन. अमर, काश मेरे कानों में भी शहनाइयों की मीठी आवाज गूंज सकती. मैं जानती हूँ कि ये एक बेवकूफ लड़की का ख्वाब है, मगर सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं. सवेरा भी हो गया. इतनी देर हो गई, मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा. मुझे नहीं, हमें कहो. आज का काम खत्म हो गया, आओ ड्राइव पे चले. क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? मैं आज खुश हूं अमर, मैं आज बहुत खुश हूं. तुम्हारी आंखों में तो आंसू है. ये तो खुशी के आंसू है. चले. हाँ.
ये जगह कितनी अच्छी है ना, दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं और कोई सुनने वाला भी नहीं है। और वो जो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? समुंदर, ये मेरा पुराना दोस्त है, साथी है, राजदार है। मैं जब भी परेशान होती हूँ यहीं आती हूँ, और जब भी खुश होती हूँ तब भी यहीं आती हूँ। लो, तुम्हारा दोस्त अब यहाँ आ गया। हाँ। कौन? वहां जो बैठा है। खुश लगती है। अरे ये तो बहुत सारे रुपए हैं। हाँ मांझी,
आज मेरे जीवन में पहली बार सवेरा हुआ है, ऐसा सवेरा जो मेरी माँ देखना चाहती थी, लेकिन देखने से पहले ही मर गई। और अब अंधेरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सर, मिस्टर बाबूलाल आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर बाबूल, ओ आने दो। गुड मॉर्निंग सर, बोंजूर मसिये, बुंजारनो सीनियोरे एंड गुड इन मॉर्गन माइने हेर्न। बोंजूर मुसे बाबू, कमावा तू। अरे बाबू, ये बाबू से मिस्टर बाबू कब से बन गया और ये इतनी जबाने कैसे बोलने लगा? सेठ जी, आपकी मेहरबानी से धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है। अच्छा? आजकल हर मुल्कों से टूरिस्ट हिंदुस्तान में आ रहे हैं सेठ जी, और हमने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए उनकी जुबानों के 3-4 लफ्ज सीख लिए हैं। सेठ जी, हम भी आजकल इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बंदे को कैसे याद किया? भाई, बेंगलोर से 2 बिजनेसमैन आए हैं, उन्हें पार्टी दी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। समझ गया सेठ जी, समझ गया। 3 बॉटल विस्की और 3 खूबसूरत बाटलियां। तुम समझदार आदमी हो, तुम्हें क्या समझाना है, ये लो। थैंक यू। आज शाम को 7 बजे पेरिस होटल में। सेठ जी 7 बजे क्यों? अब बंदा 7:45 बजे माल को लेकर हाजिर हो जाएगा। अच्छा, और सुनो, धंधे के लिए कभी भी पैसे की जरूरत हो तो मुझसे कहना। सेठ जी, अगर आपसे नहीं कहूंगा तो बंदा किससे कहेगा? बस नया ताजा माल आने दीजिए, आप ही का दरवाजा खटखटा दूंगा। गई मैट्रिक। उठना जल्दी, क्या बात है, जाना नहीं रमेश की पार्टी में? वो आता ही होगा, पागल हो गई क्या? रात को लड़कों के साथ पार्टी में छुप कर जाना अच्छी बात नहीं है। अब तो क्यों बुढ़ी नानी जैसी बातें करने लगी? चलना, 1 घंटे में आ जाएंगे डांस वांस करके। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा देख उषा, तू मत जा वरना पछताएगी। वो आ गया ना। अच्छा देख, तू किसी से बोलेगी तो नहीं ना? प्लीज आओ ना। और सब कहाँ है? तुम तो कह रहे थे बहुत बड़ी पार्टी है, वो रीता, सुनीता, सुमरिता सब आने वाले हैं। वो लोग तो इस वक्त ग्रैंड होटल में हैं। मैंने सोचा वहाँ जाने से पहले तुम्हें घर ले चलूं, डैडी मम्मी से मिलवा दूं। सच? डैडी मम्मी से नहीं मिलोगी तो शादी कैसे होगी? तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। दादे, देखा तुमने, आजकल के डैडी मामी भी अजीब हैं, ना खुद यहाँ है ना गाड़ी यहाँ है, और ये चिट्ठी छोड़ गए। और नौकर जाकर? नौकर आज छुट्टी लेकर पिक्चर देखने गए हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों यहाँ अकेले हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन? म्यूजिक। नाटी हो कि अगर आज मैं मर भी जाऊं तो अगले कहीं
ये तो हमारे खुशी की शुरुआत है।
अमर, बेटा अमर। आया माँ। मैंने तेरे लिए भगवान से प्रार्थना की है कि तुझे शांति दे। शांति किसे चाहिए माँ? मुझे माया चाहिए, माया। माया? माया से तो दूर रहना चाहिए बेटा। ये वो माया नहीं है माँ। क्या किसी लड़की का नाम है? अच्छी है? बहुत अच्छी है। पिताजी से मत कहना, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अमर, मैं तुझे कहती थी कि ओफो, चलो ना माँ। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ, मगर नाश्ता करके जाना। हाँ जाओ ना, मुझे कपड़े बदलना है, तैयार होना है। जब से बेटा विलायत से आया, उसके आने के बाद कम से कम तुम हमारे साथ बैठ के नाश्ता तो कर लेती हो। नमस्ते मम्मी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? चलिए वो नाश्ता करो, नाश्ता करो। देखो अमर, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, उस वक्त तक के लिए ऑफिस के इंचार्ज तुम ही रहोगे, समझे? डैडी आप बिल्कुल फिक्र ना करना, आपके एब्सेंस में ऑफिस वहीं का वहीं रहेगा। अरे बेवकूफ, वहीं का वहीं नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो बिजनेस ऊपर नहीं उठता है वो नीचे गिर जाता है, समझे? बेटा अमर, तुम्हें देर हो रही है ना? हाँ डैडी, मुझे जाना है, वो आर्ट क्लास है ना? अच्छी है ना? डैडी बहुत अच्छी है, मेरा मतलब पेंटिंग, वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है डैडी। अच्छा वहां, ओके डैडी। देख लिया बेवकूफ, अपनी गर्लफ्रेंड को आर्ट क्लास कहता है। अरे हमारे जमाने में कहते थे कि टेनिस खेलने जा रहा हूं, लव सेट, लव गेम, लव मैच। हमें बहुत अच्छे हैं। क्या तुम हमेशा इतने अच्छे सैंडविच बनाया करती हो? नहीं, आज पहली बार तुम्हारे लिए बनाए हैं, पहले कोई था ही नहीं जिसके लिए बनाती। कमाल है, मैं तो समझा था कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की के दाएं बाएं आगे पीछे हमेशा नौजवानों की भीड़ रहती होगी। जो लोग भीड़ में रहते हैं ना अमर, वो हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। ए, चाय तो पिलाओ। ये तो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी। माया, आज तुम्हें मैं अपने बारे में सब सच सच बता देना चाहता हूँ। नहीं अमर, शायद हम दोनों सच्चाई की रोशनी बर्दाश्त ना कर सके। तुम क्या चाय पिलाओगी, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। तुम सिर्फ चाय पियोगी। क्या? और कुछ मत ऑर्डर करना। ओहो, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओहो, मैंने कहा ना सिर्फ चाय। ओके बैठो। क्या चाहिए साहब?
दो स्पेशल चाय। स्पेशल स्पेशल। आज ये मुर्गी तो कोई नया चूजा लेके आई है। आ, तुम इसे जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमर। डोंट वरी। बदमाश। बच्चे भी साथ लाए? क्या विचार है अमर? बड़ी देर की मेहरबान से आते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस वक्त? चलो निकलो बाहर। ओके ओके कामनी भाई, ओके। आई एम सॉरी। दरअसल बात यह है कामनी भाई कि आज मेरे पास एक बहुत मालदार पार्टी है। साहब, बंदा बाबू के नाम से मशहूर है। आदाबर साहब, आप मुझे अपना ही नौकर समझिएगा। मेरी जुबान से कभी कुछ नहीं निकलता, और अगर निकले भी तो आप मेरी जुबान को खिंच कर देना। ये फोन मैंने फिर से लगवा दिया है, दोबारा नहीं कटेगा। ठहरो, पहले ये बताओ कि यहाँ क्या होता है, तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है? अरे बाबू, हमारा रिश्ता भला उससे क्या होगा, उसका तो रिश्ता औरों से है जो सिर्फ बाबू जानता है। बाकी जो कुछ पूछना है उससे खुद पूछ लो, हमारा तो धंधे का वक्त है सेठ, हम जाता है। टाटा। अब बोलो माया। माया मर गई। अमर, मैं काम नहीं हूं, सिर्फ काम नहीं। तुम काम नहीं हो, माया हो, बोलो तुम कौन हो, तुम क्या हो? अब शर्म आती अपनी जुबान से कहते हुए? बोलो तुम कौन हो, तुम क्या हो? चाहते हो ना तो सुनो,
तुम्हें मिलने से पहले मैं ये थी, एक कॉल गर्ल, वो लड़की जिसे कोई भी अमीर और शौकीन आदमी सिर्फ एक टेलीफोन करके बुला सकता है अपनी हवस मिटाने के लिए। थी या अब भी हो? मिस लूसी, मिस लीला, मिस शीला, वो सब मर चुकी हैं। हाँ, वो सब मर चुकी हैं। इसलिए कि मिस कामनी ने एक अमीर बाप के बेवकूफ बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। ऐसा मत कहो अमर। क्यों ना कहूं? मैं वो इंसान हूं जिसने अपना दिल अपनी मोहब्बत देकर बाजारी माल खरीदा, जिसे 100-200 रुपए देकर कोई भी खरीद सकता है। मुझे यही डर था कि तुम जैसे अमीर लोग एक गरीब और बेबस लड़की की मजबूरी को नहीं समझोगे। तो ये सब तुम मजबूरी से कर रही हो? कहो कि मुझे इस पेशे में जबरदस्ती ढकेल दिया गया, कहो कि मुझे इस पेशे से एक बीमार बाप और अंधी माँ का पेट भरती हूँ, या छोटे भाई बहन के स्कूल की फीस देती हूँ। मैं कोई बहाना या मजबूरी जाहिर नहीं करना चाहती। मैं मानती हूँ कि मैं ये गंदा जहर पी रही थी रुपए के लिए, जैसे कुछ औरतें शादी करती हैं रुपए के लिए, जैसे कुछ लोग अपना धर्म, ईमान, अपनी कलम, अपनी कला तक बेच देते हैं। मेरे पास अपने शरीर के सिवा और कुछ नहीं था जो मैं बेच सकती। हाँ, मैं अपना शरीर बेचती थी अपनी मर्जी से, लेकिन अब नहीं बेचूंगी, वो भी अपनी मर्जी से। अब नहीं बेचूंगी, वो भी अपनी मर्जी से। आपने क्यों तकलीफ की? ये तो ऑफिस पर ले आता। थैंक यू अमर। जब तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हो तो मैं एक बात पूछूं, ये तुमने विस्की पीना कब से शुरू किया, और वो भी ऑफिस में? मेरी जिंदगी बड़ी उलझन में फंसी हुई है, गम गलत करने का यही एक सहारा है। So you are a modern देवदास। बेचारा देवदास खुद तो मर गया, मगर नौजवानों को शराब पीना सिखा गया। तुम्हारे दादी भी यही कहते थे, जिंदगी की उलझनों को भुलाने के लिए पीता हूँ, मगर आप शराब उनको पीती है। बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है अमर,
बड़े परेशान नजर आ रहे हो। हाँ। कुछ पियोगे? विस्की पियोगे? हाँ पियूंगा, डबल पियूंगा। वेरी गुड, एक डबल इनके लिए और एक मेरे लिए भी। हाय डैड। टीना। बेटी अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या बात है डैडी? तुमने अमर को हेलो क्यों नहीं किया? अमर को? उस दिन तो रमेश की पार्टी में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। इसे तो सबक सिखाना चाहिए। तुम उसे सबक सिखाओ मगर अपने साथ ले जाकर सिखाओ। वो परेशान है, अकेला है, उसे किसी जगह घुमाने ले जाओ। अमर, कल की रिहर्सल में भी तुम नहीं आई। देखो आज जरूर आना। अरे क्या हो गया उषा? उषा 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 क्या हो गया तुमको? किन्ने तो हमें कहीं का न रखा, उसको रेस्टिकेट तो करना ही पड़ेगा, मगर मैं स्कैंडल से डरती हूँ। अगर ये बात बाहर निकल गई तो सब लड़कियों के माँ बाप अपनी अपनी लड़कियों को स्कूल से निकाल लेंगे। प्रिंसिपल साहब, मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। उस लड़की को उसके घर भेज दीजिए और फिर उसे वापस लेने से इनकार कर दीजिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये भी ठीक है, वैसे मैंने ये बात उषा को बता दी है। मैडम उषा कमरे में नहीं है, वो तो न जाने कहाँ चली गई। अरे बाबा आ रहा हूँ, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे भाग गई? हाँ क्या हुआ? वही जिसका हर कुंवारी लड़की को डर होता है,
अब तुम्हें पता रमेश मैं क्या करूं। बस जस्ट डोंट वरी बेबी, ऐसा तो होता ही रहता है, जस्ट गेट रिड ऑफ इट दैट्स ऑल। और ये काम तो आजकल कोई भी डॉक्टर कर देगा। जहां तक खर्चे का सवाल है, तुम्हारा बाप तो लखपति है। वरी नॉट, वरी नॉट, कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक। रमेश मजाक छोड़ो, ये हमारे प्यार की निशानी है और तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। डार्लिंग मैं क्या पागल हूं जो इतनी जल्दी शादी करके घर बैठ जाऊं? ये तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। और फिर इसका भी क्या सबूत है कि इसका जिम्मेदार मैं हूं? ये भी तो हो सकता है कि मेरे पहले या मेरे बाद तुम्हारी जिंदगी में। रमेश मुझे गाली मत दो, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। गुड बाय उषा। ये मेरी भूल ही तो थी, मेरी ही भूल थी। क्या बात है बेटे, अपनी माँ को नहीं बताएगा? एक सवाल है माँ, इसका जवाब नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। कैसा सवाल है बेटे, तू बता तो सही। सवाल बहुत पुराना है माँ, हजारों साल पुराना और फिर भी नया। समंदर से एक बादल उठता है, वो हिमालय पहाड़ पे बरसता है तो गंगा बनता है, शहर की बस्ती में जब बरसता है तो एक गंदी नाली। ऐसा क्यों होता है माँ? वो गंदी नाली फिर गंगा बन सकती है। गंदी नाली गंगा बन सकती है, वो कैसे? वो गंगा में जाके मिल जाए ऐसे। गंगा सबको स्वीकार करती है, इसीलिए तो उसे माँ कहते हैं। गंगा एक बेजुबान नदी है, मगर तुम्हारा समाज बेजुबान नहीं है। तू कहना क्या चाहता है बेटा, मैं समझी नहीं। यूं समझ लो माँ, मैंने एक कमल देखा है जो कीचड़ में गंदगी में उग रहा है, क्या तुम्हारा भगवान उसे स्वीकार कर सकता है? भगवान का सबसे प्यारा फूल कमल ही है जो कीचड़ में ही जन्म लेता है। माँ एक लड़की है, वो भी कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह है, वो उस दलदल से निकलना चाहती है, वो निकल सकती है अगर किसी का प्यार, किसी का सहारा उसे मिल जाए। अमर इधर देख मेरी तरफ, किसका प्यार, किसका सहारा? तेरा? हाँ माँ। तू उसे मेरे पास लिया। तुम उसे कुछ कहोगी तो नहीं? मैं उससे बहुत कुछ कहूंगी, बहुत कुछ सुनूंगी। तू उसे कल ही लिया। हर रस्म को ठुकराओ, कदमों को न रोकेगी जंजीर रिवाजों की, हम तोड़ के निकलेंगे दीवार समाजों की। दूरी पे सही मंजिल, दूरी से न घबराओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। रंगीन बना लूंगा सोबा
अपनी पलकों पे उठा लूंगा, शबनम की तरह मेरे गुलशन पे बिखर जा। उनसे कुछ भी ना कहना, बस उनकी बातें सुनती रहना। सांसें बहू की आवाज सुनना नहीं चाहती, सिर्फ देखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ आओ। माँ? हाँ बेटे। माँ मैं उसे ले आया। कौन? माया? माया नहीं माँ, इसका असली नाम कामिनी है। कामिनी? जीती रहो बेटी, आओ प्रसाद भी ले ले। रामायण पढ़ सकती हो? जी हाँ। आओ। मेरी तो आंखें कमजोर हो चुकी हैं, वैसे रात को कम ही दिखाई देता है। देख ये निशानी रखी हुई है बेटी, तू ही पढ़कर सुना देना। सीता जी ने कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। तो कर दिया था, लेकिन सच बात यह है मुझे शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, सीख तो सकती हो ना, हम सब सिखा देंगे। सर मैं इंटर तक पढ़ी हूँ, बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, लेकिन काम मुझे फौरन चाहिए। मेरे माँ बाप नहीं है और छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है, उसका खर्चा भेजना पड़ता है। क्या नाम है उसका? रागनी, इसी साल मैट्रिक कर लेगी। कौन से स्कूल में पढ़ती है? जी पंचगिरी नेशनल स्कूल। ठीक है, वेरी गुड, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। जी आज ही से।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो 200 रुपए। थैंक यू। आज शाम को हमारी एक मीटिंग है, उसमें मेरी सेक्रेटरी की हैसियत से आ जाना। सेठ जी तो चले गए, उनका काम पूरा हो गया, बाकी काम मेरा है। मुझे बाबू कहते हैं। मरना चाहती हो तो बड़े शौक से मरो, मगर मरने से पहले मेरी एक बात सुन लो, अपनी बहन के बारे में, जिसका नाम रागनी है, भोली भाली लड़की जो स्कूल में पढ़ती है। तुम्हारी बहन स्कूल के हॉस्टल में रहती है, सेकंड फ्लोर रूम नंबर 16। हम सब जानते हैं हमारे सेठ जी के पंजे पंचकनी तक भी पहुंच सकते हैं। हम तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को ला सकते हैं। मेरी सलाह मानो तो तुम्हें मरना नहीं चाहिए, सेठ जी ने तो तुम्हें पतित कर ही दिया है। क्यों नहीं यही रास्ता इख्तियार कर लेती? अब तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं रहा कामनी, एक ही रात में हजारों रुपए कमा सकती हो, अपनी बहन को पढ़ा सकती हो, अपनी बहन को पा सकती हो कामनी, और फिर दुनिया से बदला ले सकती हो, समझी? हेलो मिस्टर। कामनी कहाँ है? मैं क्या जानूं? पर मुझे कामनी से मिलना है, वो कहाँ है? वो तो कल रात अपना सामान लेकर चली गई। अब बापू ने मुझे यहाँ रखा है उसके सब पुराने ग्राहकों की सेवा के लिए। अब मैं तैयार हूँ, आइए ना, डोंट वरी। जी नहीं, माफ कीजिए, मुझे कामनी से ही मिलना है। टाइम फूल एक कॉल कल से लव करता है। आपका सफर कामयाब रहा? अच्छा ही था। बैठ जाओ सिद्धि, जामर को बुलाओ। वो तो अभी नहीं आया, अमर तो कई दिनों से ऑफिस नहीं आया। अच्छा, वो ऑफिस भी नहीं आ रहा, घर में भी नहीं है। सिल्विया, मुझे अमर की बहुत चिंता है, पता नहीं वो आजकल किस चक्कर में है। उसी चक्कर में जिसमें कभी आप भी थे। ऐसा लगता है मुझे उससे मिलने आर्ट सेंटर ही जाना पड़ेगा।
हेलो डैडी, आप कब वापस आए? अभी मुझे मालूम हुआ है कि तुम दिन दिन भर दफ्तर नहीं जाते। जी नहीं डैडी, मैं तो यहाँ बस कभी कभी आया करता। मुझे सब मालूम है। कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम दीवाने बने बैठे हो? डैडी यह है वो लड़की। जिसका मुझे डर था तो वही हुआ। जानते हो कौन है ये लड़की? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ उसे मैं आपकी बहू बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम उसे मेरी बहू नहीं बना सकते। वो मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। ना सर, मेरी पत्नी जरूर बन सकती है। अमर अमर, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। तुम एक कॉल गर्ल को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, जो आज तक पैसे की खातिर ना जाने कितनों की पत्नी बन चुकी है। जो कुछ भी उसने किया है किसी मजबूरी से किया है, अब वो बदल चुकी है। अमर, औरत की इज्जत एक नाजुक आईने की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं जोड़ सकती। जो औरत एक बार अपने शरीर का सौदा कर चुकी हो वो हमेशा वेश्या रहती है। ऐसा गंदा शब्द मत इस्तेमाल कीजिए डैडी। मेरे प्यार ने उसे बदल दिया है, पाकीज़ा बना दिया है। मेरे बहुत से ऐसे बिजनेस फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ आज भी वो आती जाती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आज रात को ही लंदन होटल के 113 नंबर कमरे में खुद अपनी आंखों से जाके देख लो। देख लो कि तुम्हारी महबूबा पाकीज़ा बन चुकी है या आज भी वही कॉल गर्ल की कॉल गर्ल। ये लो लो। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपनी बहन को पढ़ाना है, उसकी शादी करनी है, इसके लिए रुपए की जरूरत होती है। ये लो रुपया। वही गंदा रुपया ना जो तुमने मुझ जैसे ना जाने कितनी लड़कियों के जिस्म बेचकर कमाया है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे बाप की कमाई। कामनी, मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आखिर मैं एक बाप हूं। बाप? तुम्हें अपने आप को बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? तो बाप के पवित्र रिश्ते पर एक कलंक हो, एक बदनुमा दाग हो। लेकिन सेठ सोनाचंद, तुम बाप नहीं एक सांप हो जिसने ना जाने मुझ जैसे कितनी लड़कियों की जिंदगी में जहर घोल दिया। क्या उस वक्त ये सोचा था कि हमारे भी माँ बाप होंगे? लेकिन आज जब तुम्हारे ही लगाए हुए इस धंधे की आग तुम्हारे अपने घर तक पहुंची तो तुम एक बाप बन गए। कामनी, तुम तो ये जानती हो कि तुम मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। हाँ जानती हूँ। मुझे क्या मालूम था कि अमर जैसे शरीफ लड़के का बाप तुम्हारे जैसा शैतान हो सकता है। मुझे माफ कर दो कामनी, लेकिन अगर तुम अमर से इतना ही प्यार करती हो तो क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो कि दुनिया वाले उस पर उंगली उठाएं, उस पर हंसें कि उसकी पत्नी उसके होने वाले बच्चों की माँ एक कॉल गर्ल थी? इसीलिए तो मैं अमर की जिंदगी से बहुत दूर चली आई हूँ। लेकिन उसके दिल में तुम अभी तक मौजूद हो और एक दिन वो तुम्हारे प्यार में घुल घुल के मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि वो एक दिन बड़ा और नेक आदमी बने, लोग उसकी इज्जत करें, तो तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। और ये सब तभी हो सकता है जब तुम उसे अपना कॉल गर्ल का रूप दिखा दो, उसकी नजरों के सामने दिखा दो कि तुम पैसे की खातिर किस तरह अपना जिस्म
अपना प्यार भेजती हो। ये साबित कर दो कि तुम कॉल गर्ल थी, अब भी कॉल गर्ल हो और हमेशा हमेशा कॉल गर्ल ही रहोगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। ठीक है कामनी, मैं तो तुमसे सिर्फ अमर की जिंदगी की भीख मांगने आया था। मैं चाहता था कि तुम उसे जीते जी मरने से बचा लो, लेकिन अच्छा मैं चलता हूं। ठहरिए, मैं अमर की खातिर अपनी जिंदगी का ये नाटक भी करूंगी। एक कॉल कर, सिर्फ टेलीफोन की आवाज ही नहीं, अपने फर्ज और प्यार की आवाज भी सुनती है। चलो बाबू। की लड़की किसी न किसी सेठ की बहू बनना चाहती है। बड़ी मुश्किल से बनी। चलो शुक्र है, बला तो टली। चलिए सेठ जी, मैं आपका कहीं दिल बहलाने ले जाता हूँ। सेठ जी, आप ही ने तो कहा था जब भी कभी नया अच्छा माल मिले तो आपसे कहूँ, आज का माल खास अच्छा है सेठ साहब, बड़ी नमकीन चीज है। अच्छा चलो, बिजनेस के लिए मैं हर वक्त तैयार। चलिए सेठ जी। जी सरकार, वो मरने जा रही थी मगर मैंने उसे बचा लिया। अबॉर्शन का खर्चा मैंने खुद बर्दाश्त किया है सेठ जी। अब आप मुझे सिर्फ 20,000 रुपया दे दीजिए ताकि मैं उसे धंधे पे लगा दूं। 20,000 बहुत ज्यादा है। नहीं सेठ जी, ऐसा धंधा चलाऊंगा उसका कि 6 महीने के अंदर विद सूद आपकी रकम आपके घर में आ जाएगी। आज तक मैंने सिर्फ आपके लिए रिजर्व कर रखा है। हाँ सेठ जी, आप उसे एक नजर देख तो लीजिएगा। बड़ी नमकीन चीज है सेठ जी। लड़की बहुत ज्यादा हाथ पांव मारती थी इसलिए मैंने उसे अफीम का इंजेक्शन दे रखा है। आप बड़े इत्मीनान से उसका मायना कीजिए, तब तक मैं आपके लिए जलपान का इंतजाम करता हूँ। जाइए सेठ जी। डैडी मुझे बचा लीजिए। सेठ जी क्षमा करना, रिस्की मिलने में जरा देर होगी, मगर आप जा कहां रहे हैं? मैंने तो आपका पूरा इंतजाम यहीं किया हुआ है। दूर हो जाए यहां से कमीने। सेठ जी, इतना बढ़िया माल क्या आप मुफ्त में ले जाएंगे? बाबू की कमीशन नहीं देंगे? बाबू को रुपया चाहिए सेठ साहब। रुपया? यस। अभी कभी मनहूस सूरत नहीं दिखाना वरना जान से मार दूंगा। तुम्हें समझ लूंगा सेठ, मुझे बाबू कहते हैं। अभी मेरे हाथ में ताश के बहुत पत्ते बाकी हैं सेठ सोना चांद।
ये लो 1000 रुपए। तुम शायद हमेशा एडवांस देती हो। नो कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। और कस्टमर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हैरानी की क्या बात है? कोई और ना हुआ, तुम हुए। और तुमसे तो पुरानी जान पहचान है। चलो आज ये जान पहचान और गहरी हो जाए। ये लो अपनी कीमत और अपना काम शुरू करो। काम? ये नोट तो असली है ना? असली है, जैसे तुम एक असली वेश्या हो। मेरे पिता ठीक कहते हैं, कॉल गर्ल कहो, रंडी कहो, तवायफ कहो, एक बार औरत ने इज्जत बेची तो उसका कोई एतबार, उसका कोई धर्म नहीं, वो हमेशा इज्जत बेचेगी। कीमत बेशक कम ज्यादा होती रहे। तुम तो अपना और मेरा भी वक्त जाया कर रहे हो। अमर अमर मर गया और उसकी माया भी। क्या अच्छा नाम दिया था मैंने, माया। तुम तो सर से पैर तक एक हसीन धोखा हो, फरेब हो। तुमने कहा था ना कि एक किस्म का कैंसर है, जबकि तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं। तुम इस बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पा सकोगी। बस मुझे और जलील मत करो। चलो 1000 रुपए में तुम्हारी असलियत पता चल गई। बहुत सस्ता सौदा है। ये लो रुपए और इसे अपनी इज्जत की नंगी लाश पे लपेट लो और निकल जाओ यहां से। बस इतनी जल्दी? बाबू की कमीशन लाओ। ये लो। क्यों अमर साहब इतनी जल्दी? शरीर तो बड़ा लंबा चौड़ा आपका दिखता है, मगर हिम्मत नहीं। ये रुपए कहां से आए? कामने जैसे नहीं क्या? अरे अमर साहब, बाबू ने आज तक किसी का कुछ नहीं छीना। ये नोट मुझे कामनी खुद दे गई, आपके पिताजी की कसम। मेरे पिताजी का नाम लेता है? ये ड्रामा सब आपके पिताजी के हुक्म से हुआ। कामनी बेचारी ने तो आपके प्यार में कब से धंधा छोड़ दिया था, लेकिन आपके पिता सोना चंद के कहने पर कामनी आज फिर कालगल बन के आपके सामने आई, ताकि आप उससे नफरत करें, उसे उसे भूल जाए। मेरे पिताजी कामनी को कैसे जानते हैं? अरे वो नहीं जानते तो और कौन जानेगा? सच सुन सकते हो तो सुनो। आपके पिता से आपको ठीक नहीं लगा? सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है अमर बाबू, कड़वी लगती है। कामनी चली जाए यहां से, इस घर से, शहर से, इस दुनिया से। तेरा दुल्हन बनने का सपना एक सपना ही रहा। अब तू अमर को कभी अपना मुंह नहीं दिखा सकेगी। तू एक कॉल कर लेना, तेरा आखिरी गाहक है मौत, और तेरी शादी भी मौत के साथ। Thank you.
वचन। ना, आज क्यों नहीं कहते कि हर तरीके हर ढंग से रुपया बनाओ, धन कमाओ, झूठ बोलकर बेईमानी करके रिश्वत देकर और दवा में जहर घोलकर और कुछ नहीं तो अपने बहन या बेटी के शरीर का सौदा करके। तुम्हें उस अखबार में मालूम हो गया? हाँ, आपने शायद ये नहीं सोचा था जो मनोहर साग आपने लगाई है वो आखिर एक दिन आपके घर को, आपकी औलाद को अपनी ही लपेट में लेने वाली है। और ये भी नहीं सोचा था कि जितनी लड़कियों को आपके धंधे ने खराब किया है उनमें से हर एक अपने माँ बाप की बेटी थी, अपने भाई की बहन थी, और उन्हीं में से एक लड़की थी कामनी। कामनी? ओ, वो कामनी, उससे मेरा क्या संबंध? आपका उसके साथ बहुत गहरा संबंध है, मुझे बाबू ने सब कुछ बता दिया। इससे सोनाचंद, मुझे आपको पिताजी कहते शर्म आती है। अगर आप मेरे बाप ना होते तो एक पिस्तौल लेकर उसके तमाम गोलियां आपके सीने में उतार देता। ये तुम क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कल मैं अपनी माँ और बहन को लेकर आपके घर से निकल जाऊंगा। न हम आपके हराम की कमाई में से कुछ खाएंगे, न हम आपके बंगले के छत के नीचे रहेंगे जिसके बुनियाद गरीबों और उनकी बेटियों की इज्जत आप उनकी लाशों पर रखी गई है। मैंने जैसे भी रुपया कमाया है सब तुम्हारे लिए कमाया है, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम्हारी एक दिन किसी शरीफ खानदान की लड़की से शादी हो जाए। शरीफ खानदान जैसे चिरा टिकमचंद, बताओ कैसे शरीफ लड़की है? शराब पीती है आपकी तरह, सिगरेट पीती है धुएं की चिमनी की तरह, मुझे नहीं पसंद करती, वो हर दो टांग वाले आदमी के साथ फ्लर्ट करती है, हर वक्त कपड़े उतारने में तैयार रहती है। अब मेरा आखिरी फैसला भी सुन लीजिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूं कामनी से शादी करने। जाएंगी, यही तो मैं चाहता हूं कि लोग इस शादी के बारे में चर्चा करें, गंदगी उछालें, मेरी बदनामी और साथ में आपकी भी, यही आपकी गुनाहों की सजा होगी उस पाप और अन्याय के लिए जो आपने कामनी के साथ किया है। सेठ सोनाचंद, हमने रुपया बनाने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों को खराब करके पाप की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। कुदरत ने भयानक मजाक किया और तुम्हारे बेटे को कामनी से मोहब्बत हो गई, तुम्हारे पाप के समुद्र में खुद तुम्हारी बेटी डूब गई। जो पाप तुमने किए हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत का रास्ता, मौत का के सब बंधन तोड़ाया, मेरा घर, मेरा बाप, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं तुमसे शादी करने के लिए आज और इसी वक्त। अमर, लेकिन बारात कहां है? दूल्हा तो हमेशा बारात के साथ आता है। तुमने तो सहरा भी नहीं पहना। मेरी माँ कहती थी दूल्हा सहरा बांध कर आता है। तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया? मैं भी डॉक्टर लाता हूं। नहीं अमर, अब तो बहुत देर हो गई है। कामनी, कामनी, मुझ पे विश्वास क्यों नहीं रखा?
मैं सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं